हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए पांच स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ और एक निफ्टी का व्यू, यानी कि टोटल छह चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो अपने हर संडे को क्या करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं। तो आने वाले वीक में ये स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखा सकते हैं, अगर वो लेवल के आसपास आपको मिलते हैं तो गाइज, उससे पहले अगर अपने सैटरडे का किसी ने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करते हैं और बहुत अच्छे स्टॉक के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में लेंगे तो आपका क्या होगा कि पोर्टफोलियो जल्दी से ग्रो करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप जब भी एंट्री करो तो आपको स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करना है। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, और जो पहली बार चैनल पे आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। आपको हर तरह के यहाँ पे ट्रेड मिलते रहेंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं, और मेन फोकस अपना क्या होता है, चार्ट एनालिसिस क्या होता है, यानी कि अपने जो भी लेवल देते हैं तो आपको पूरा चार्ट एनालिसिस करके समझाते हैं कि कौन से पैटर्न के हिसाब से आपको बाय करना है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखोगे 1-2 महीने तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन से पैटर्न के हिसाब से कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसके अलावा आपने टेलीग्राम पे भी लाइव मार्केट में भी इंट्राडे ट्रेड की सीरीज चलाते हैं, तो अगर इंट्राडे मतलब टेलीग्राम नहीं है तो आप ज्वाइन करके रख सकते हो। आपको यहाँ पे भी लाइव मार्केट में अलग अलग ट्रेड मिलते रहेंगे। आपको मैं एक्सेल शीट पे भी बताऊंगा, आपने जो इंट्राडे ट्रेड हैशटैग जो सीरीज है 0708, ये ट्रेड नंबर है, तो कैरियर पॉइंट है, फिर इंट्राडे में अपार इंडस्ट्री दिया था फ्राइडे को, तो ये सब मैं आपको एक्सेल शीट में वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वो भी आपको ध्यान में देखना है कि कहाँ पे अपने अभी 7-8 ट्रेड हुए तो अपना परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, वो भी मैं आपको एक्सेल शीट के बताऊंगा। तो अपने पहले निफ्टी का व्यू देख लेते, उसके बाद मैं आपको पांच स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बताऊंगा। तो देखो गाइस, निफ्टी का व्यू अभी भी आप क्लियर कट देखो कि डेली चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम में देखो कि 1-2 घंटे में तो आपको बाय एंड डिप वाला लग रहा है, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो कि डेली चार्ट में देखो ओपन करके रखा है यहाँ पे, तो डेली चार्ट में अभी भी क्या है, यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट निफ्टी 50 का मैंने ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे मैंने सिंपल 50 मूविंग एवरेज ड्रॉ करना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज का भी क्या आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से निफ्टी में हो क्या सकता है, तो आने वाले वीक में लास्ट वीक में देखो अच्छी रैली दिखाई, अपना ये रिजेक्शन एरिया था लेकिन वो भी क्रॉस करके ऊपर अच्छे से क्लोज दिया। तो लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर इसके ऊपर क्लोज देगा डेली तो फिर ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये रेंज में आएगा अभी, क्योंकि उसका जो पहले सप्लाई जोन था अभी क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट के बाद ये पूरा डिमांड जोन हो जाएगा, अपने हर वीडियो में बताते हैं। तो निफ्टी का अभी बाइंग जोन कौन सा हो गया, ये वाला जोन हो गया, वो बाइंग जोन हो गया। तो अभी सेलिंग जोन कौन सा हो गया कि कहाँ से आप निफ्टी को बेच सकते हो या तो निफ्टी कहाँ से रिवर्सल मार सकती है, तो आपको जो ये लाइन दिख रही है वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, तो वहां से रिजेक्शन आ सकता है डेली चार्ट में। यहाँ से निफ्टी में क्या हो सकता है आने वाले वीक में, और ये जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है उसका भी रिजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं निफ्टी आने वाले वीक में फंस सकती है, और वहां से अगर निफ्टी में रैली ऊपर की साइड आती है तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा, वहां से निफ्टी में गिरावट नीचे की साइड आ सकती है। तो आपको ये पता चल गया कि बाइंग जोन कौन सा है और सेलिंग जोन कौन सा है, तो आपको ये दो एरिया याद रखने हैं, और जैसे ही निफ्टी आपको जहां पे पहले मिलती है, अगर नीचे की साइड मिलती है, अगर समझो कि यहाँ से ट्रेड करके नीचे आ जाती है तो यहाँ पे बाइंग करना है, और अगर ऊपर जाती है तो वहां से सेलिंग करना है। तो निफ्टी 50 का अभी CMP कितना है, 17,360 के आसपास है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, निफ्टी को ऊपर जाने देना है, 17,550 आएगी वहां पे बेचेंगे, 17,650 का स्टॉप लॉस लगा के, ये पहला हो गया आपका बेचने का एरिया। अगर आपको किसी को बाय करना है तो निफ्टी को नीचे गिरने देना है, 17,290 पे आने देना है, वहां पे आपको बाय करना है, 17,190 का नीचे की साइड आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट उल्टा कर देना। समझो कि आप ये बाय कर रहे हो तो आपका ये वाला टारगेट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपको ये वाला टारगेट हो जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू क्लियर कट, आपको ऊपर जाए तो बेचना है लेकिन ये एरिया याद रखना है, वहां पे बेचना है, और खरीदना है तो ये एरिया आपको याद रखना है। तो निफ्टी में इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता आने वाले वीक के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने अगला व्यू देखेंगे कि
कैसा आता है। अगर इसके जो डाउन ट्रेंड लाइन जा रही है उसके ऊपर अच्छे से क्लोज देता है तो फिर और भी ऊपर की साइड रैली आ सकती है, लेकिन वो बात की बात है क्योंकि उसके बाद आप सीधा बाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समझो कि ऊपर क्लोज दे दिया तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाय कर लिया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए तभी आपको बाय करना है। तो अभी निफ्टी फिफ्टी में आपको मैंने समझा दिया ऊपर बेचना है नीचे खरीदना है, सिंपल सा व्यू है। अभी अपने चलेंगे स्टॉक के बारे में बताएंगे, जो पहला स्टॉक का नाम रहेगा मेडिको। मेडिको को आपको क्या करना है, बाय करना है। बाय करने का रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ी गैप है, वो गैप पता नहीं चार्ट में पूरा हो नहीं रहा, मैं ओपन करके रखा, ये पूरा मार्च महीने का था, मतलब 6 महीने से चार्ट पैटर्न बना नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। मैंने पूरा इसमें एनालिसिस किया नहीं, इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं किया, अभी मैंने ओपन करके रखा है मेडिको। तो मेडिको में आपको क्या करना है, मेडिको को बाय करना है। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है मेडिको, बाय एंड डिप विथ एडीएक्स है। तो बाय एंड डिप विथ एडीएक्स क्या होता है, एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 आती है, या तो जाके यहाँ से देखो आके गई है -80, जस्ट टच होके फिर से यहाँ पे चली गई है, यानी कि ये स्टॉक का क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्विंग हो सकता है नीचे की साइड, यानी कि स्टॉक ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ से स्टॉक रिवर्स मार के फिर से ऊपर जा सकता है। तो आपको अभी वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम लो एक कैंडल नहीं मारा है, तो उसके हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आई और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये लेवल ऊपर का पहले ब्रेक करे तभी अपने बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी 75 चल रहा है, तो आपको क्या करना है, 77.5 के यानी कि 77.5 के ऊपर बाय करना है, 71.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट देखोगे तो 90 से 100 का टारगेट आ सकता है 1 से 7 दिन में। तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, आपको एक वीक में कितने रिटर्न मिल सकते हैं अगर ये लेवल क्रॉस किया तो, कंडीशनल है, आप ध्यान में रखना। अगर स्टॉक पहले 71.5 के नीचे पहले ट्रेड करता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक किया तो स्टॉक में बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड वो भी 1 से 7 दिन में आ सकती है। तो 77.5 से सीधा 100 का टारगेट आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना रिटर्न मिल सकता है। तो आपका पहला स्टॉक हो गया बाय एंड डिप वाला स्टॉक है मेडिको को, आपको बाय करना है लेकिन कंडीशनल बाइंग करना है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है जेबीएमए। जेबीएमए को आपको बाय करना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, 2 घंटे के कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है जेबीएमए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट डन हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, और फाइनली ब्रेकआउट देख के ऊपर गया, यानी कि जो ट्रायंगल जैसा बनाया था उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। तो अभी आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, और जो लास्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया था वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा। तो अभी आप बाय करोगे तो महंगा मिलेगा, इसलिए स्टॉक को हल्का सा गिरने देना है, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक आ सकता है। तो जेबीएमए अभी सीएमपी 644 है, तो अभी आपको बाय नहीं करना, स्टॉक को नीचे गिरने देना, 631 पे बाय करना, 621 का स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट 645 से 660 का रहेगा, 1 से 7 दिन के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को क्या करना, गिरावट पे बाय करना, 621 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। तो ये स्टॉक भी आने वाले वीक में अच्छी रैली दिखा सकता है, लेकिन सही लेवल पे बाय करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, और लॉस जितना हो सके उतना कम रखना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक को आपको क्या करना है, बाय करना है, लेकिन ये कौन सा सेटअप है, अपना रिवर्सल पॉइंट वाला सेटअप है। 2 घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक, बाय करने का रीजन है रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन बिल्ड सपोर्ट। रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट यानी कि यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन, फाइनली ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट हो गया तो ये पूरा आपका क्या हो गया, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलके फिर से ऊपर स्टॉक जा सकता है। आपको बोला ही है जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से पास होती है, क्रॉस होती है, तो वो एरिया क्या हो जाता है, रिवर्सल पॉइंट हो जाता है, आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ। तो ये स्टॉक का अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है, यानी कि स्टॉक का रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो आपको अभी बाय नहीं करना, केपीआईटी टेक 925 चल रहा है तो अभी बाय नहीं करना, स्टॉक को गिरने देना है, 913 के आसपास मिले, जब भी मिले मंडे ट्यूसडे वेनसडे जब भी मिले तो स्टॉक को आपको बाय करना है, 905 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड 930 से 940 का लेवल 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकते हैं। तो ये स्टॉक को आपको बाय करना है लेकिन गिरावट पे बाय करना है। अभी मैं आपको चौथा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है एसबीसीएल।
SBCL को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। 2 घंटे की कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है SBCL। तो सेम सेटअप है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला, स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट दिया, यानी कि इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ने सेम ऐसा ही किया, जैसे ही डिमांड जोन में आया वहां से बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। तो अभी आपको बाय नहीं करना, स्टॉक को फिर से आने वाले वीक में थोड़ा सा नीचे आने देना है, डिमांड जोन के आसपास आएगा, वहां से फिर से बाउंस बैक हो सकता है। तो SBCL का अभी CMP कितना है, 513.45 से, तो अभी बाय नहीं करना, थोड़ा सा 2-3 रुपीज नीचे गिरने देना है, 510 पे बाय करना है, 499 का स्टॉप लॉस लगा के 535 से 550 के लेवल ऊपर की साइड स्टॉक दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को आपको 1 से 7 दिन होल्ड रखोगे तो अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखा सकता है। तो ये अपना चौथा स्टॉक हो गया जो बाइंग साइड पे था। अभी मैं आपको पांचवा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा, बंधन बैंक, जो सेलिंग साइड पे है, लेकिन कंडीशनल सेलिंग करना है, अभी सीधा ओपन प्राइस पे सेल नहीं करना, 2 घंटे की कैंडल के ऊपर। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। तो यहाँ पे क्यों सेल करना है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक का सपोर्ट जोन था, यहाँ पे भी सपोर्ट जोन था, सपोर्ट उसने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया। तो अभी ये उल्टा हो गया, ये पहले सपोर्ट का काम करता था, अभी रिजेक्शन का काम करेगा, ऐसा ही हुआ। देखो स्टॉक जैसे ही ऊपर गया ये रेंज में से वापस नीचे आ गया। तो अभी अपने मान सकते हैं कि ये रिजेक्शन का काम कर रहा है, लेकिन ये देखोगे तो फ्राइडे को पूरी मदर कैंडल बनी थी, उसके बाद ये 3 जो कैंडल बनी वो इनसाइड बार है। तो अभी मदर कैंडल का हाई और लो ब्रेक हो गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में तो अपने बेचने का ट्राई करेंगे, तो इसके लो के नीचे बेचेंगे, बाय करने का ट्राई नहीं करेंगे। तो इसके लो के नीचे बेचेंगे तो अच्छी रैली नीचे की साइड आ सकती है, उसके लिए पहले लो उसका ब्रेक होना चाहिए। अगर स्टॉक समझो कि हाई के ऊपर भी चला जाता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये लेवल का ब्रेक होता है, यानी कि अभी CMP 195.75 है, तो अभी आप 191 के नीचे बेचना है, 198 का स्टॉप लॉस लगा के 185 से 180 का लेवल नीचे की साइड स्टॉक दिखा सकता है 1 से 7 दिन में, लेकिन आपको कंडीशनल सेलिंग करनी है, 191 के नीचे ही बेचना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये अपना पांचवा स्टॉक था जो आप कल स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो 4 स्टॉक मैंने बताया, मेडिको को आपको क्या करना है, कंडीशनल बाइंग करनी है, JBMA को गिरावट पे बाय करना है, KPIT टेक को भी गिरावट पे बाय करना है, और SBCL को भी गिरावट पे बाय करना है। लेकिन बंधन बैंक ऐसा है कि गिरावट पे सेल करना है, यानी कि कंडीशनल सेलिंग करनी है, 191 के नीचे जाएगा तभी अपने सेल ऑर्डर लगाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, अभी मैं आपको एक्सेल शीट पे वो समझा देता हूँ। टेलीग्राम पे जो अपने फ्राइडे को जो ट्रेड लिए थे, इंट्राडे ट्रेड अपने 3 लिए थे, वैसे दिए थे 4-5, जैसे कि पॉलिसी बाजार दिया था वो कॉल इनएक्टिव हो गया था, तो वो फिर GIPL था शायद, कौन सा स्टॉक था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टॉक दिए थे, लेकिन आपको अपार इंडस्ट्री अपना कॉल एक्टिव हो गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। ये रहा GPPL दिया था 117.5 के ऊपर, लेकिन वो कॉल एक्टिव नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे तो आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में भी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि कैरियर पॉइंट इंट्राडे ट्रेड 7 नंबर का एक्टिव हो गया, इंट्राडे ट्रेड 8 नंबर का अपर इंडस्ट्री एक्टिव हो गया, इंट्राडे ट्रेड 9 नंबर का इंगरसोल रैंड अपना था लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि उसमें यहाँ पे मैंने लिखा है कि टारगेट आ गया है, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने देखो पूरा एक्सेल शीट पे समझा दिया है कौन सा कॉल अपना एक्टिव है। तो 7 नंबर का कॉल अपना एक्टिव हो गया था और 8 नंबर का कैरियर पॉइंट और अपर इंडस्ट्री 218.6 पे एक्टिव है, अभी भी उसका 214.55 चल रहा है, यानी कि 212 का स्टॉप लॉस है, तो वो एक्टिव है। अपर इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक है जो वो भी एक्टिव है, 2595 के ऊपर बाय बोला था, अभी भी वो एक्टिव है। तो आपको वो ध्यान में रखना है गाइस कि अपने कौन से कॉल एक्टिव है, कौन से कॉल एक्टिव नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे मैंने 2495 होगा बाइंग लेवल। तो ये अपना 2 कॉल अभी चल रहा है, 7 नंबर और 8 नंबर, जैसा भी होगा यहाँ पे मैं अपने अपडेट देते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख सकते हो, अपने 25 ट्रेड लेंगे, उसके बाद देखेंगे अपना टोटल कहाँ पे चल रहा है। अभी 825 प्रॉफिट में चल रहा है, ये 2 ट्रेड अपने एक्टिव है, देखते हैं क्या होता है, अगर टारगेट आएगा तो टारगेट, अगर SL आएगा तो SL अपने यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतने ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।